आज के इस नए मोटो व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको आज़ादी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज इंडिपेंडेंस डे है तो हमने सोचा कि ना इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पर जाके मोटो व्लॉग बनाया जाए। तो इसलिए आज इस वक्त मेरे साथ में है एक नया राइडर जो कि डॉक्टर जयेश है। पहली बार उसकी राइड है, उसके पास इंटरसेप्टर है। दूसरे तो एज यूजुअल पिछली राइड के साथ में जो मेरे पार्टनर्स थे जीतू भाई और भरत, और एक और नया व्यक्ति नया दोस्त इस वक्त आज मेरे साथ में जिसका नाम है केवन ठक्कर, जो कि पिछली बार मेरे साथ में कोकण राइड पे था और हम करीब करीब 4.5 महीनों के बाद फिर से मिले हैं। दोस्तों सुबह से बारिश बहुत जबरदस्त थी तो मैंने रास्ते को शूट नहीं किया है बिकॉज गोप्रो के लेंस के ऊपर बार बार जो होता है पानी की बूंदें जाती है जिससे कि व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आता है, तो मैं रास्ते को ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। सीधे आपको डेस्टिनेशन पर लेके जाऊंगा देवकुंड वाटरफॉल पे, जो कि करीब करीब चिंचपोकली से 142 किलोमीटर है, यानी कि 3.5 घंटे का राइड है ये। वहाँ जाने से पहले हमने बीच में यहाँ पे पनवेल के पास श्री दत्त वड़ा पाँव में एक छोटा सा ब्रेक लिया जहाँ पे टी कॉफी और वड़ा पाँव हमने लिया है। मैंने वो भी शूट नहीं किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो शूट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो हम सीधे अब जा रहे हैं देवकुंड वाटरफॉल के लिए, जो कि अब यहाँ से पनवेल से 2 घंटे और 30 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ जाके वहाँ का व्लॉग शूट करेंगे और आप भी साथ में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं सीधे देवकुंड वाटरफॉल पे। दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नागो थाना और यहाँ तक आते आते बीच में दो डिफिकल्टी हो गई। एक तो ये कि जो किरण जो इस बार मेरे साथ में था उसके अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उसे आधे रास्ते से ही यू टर्न लेके फिर से अपने घर की ओर जाना पड़ा। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि इस नागो थाने के पास ही एक मंदिर है जिसके पास मेरे खास दोस्त डॉक्टर का एक कज़न रहता है। हमने यहाँ बाइक सिर्फ 2-5 मिनट के लिए होल्ड की थी और जैसे ही जयेश बाइक से उतरा उसके जो शूज़ का जो सोल था वो पूरी तरह टूट चुका था। तो नसीब इतने अच्छे थे कि इन्होंने अपने कज़िन के यहाँ से दूसरे शूज़ ले लिए और वो शूज़ जो है पहन लिए, और जो पुराने शूज़ थे उन्होंने अपने पीछे बंजी के बल से बाइक पे बांध दिए। और अब हम यहाँ से सीधा बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता इतना ख़राब था कि पूरे रास्ते पे गड्ढे ही गड्ढे थे। और अभी भी आप देख सकते हो कि इस रास्ते की हालत क्या है। अब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, तो हम भी जो है रास्ते पे बाइक जो है बहुत ही संभाल के चला रहे हैं। तो दोस्तों हम देवकुंड पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत बदनसीबी की बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। यहाँ पे बसें भर भर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। गाड़ियों की हालत और बाइक की हालत भी देख के आप समझ सकते हो कि कितने लोग इस वक्त यहाँ पे हैं। तब हम यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे और फिर यहाँ से जो हम चल के देवकुंड वाटरफॉल की ओर जाएंगे। दोस्तों इस वक्त हम देवकुंड पहुंच चुके हैं और सुबह के करीब करीब 11:30 हो चुकी है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और खूबसूरत इसलिए भी था क्योंकि साथ में जो हमारी कंपनी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। आज के इस राइड में एक नए दोस्त का स्वागत है जिसका नाम है डॉक्टर जयेश, जो कि मेरे सामने इस वक्त खड़ा है यहाँ पे। हाय जयेश। हाय। और भरत को तो आप जानते ही हो, पिछली बार महाबलेश्वर राइड में साथ में था और जीतू भाई भी महाबलेश्वर राइड में साथ में थे। तो दोस्तों आज हम चारों, साथ में एक और लड़का था किरण करके, लेकिन किरण से आधे रास्ते से उसे रिटर्न होना पड़ा, कुछ अर्जेंट काम आ गया था उसे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग आज इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए देवकुंड आए हैं। तो हमने यहाँ पर बाइक पार्क कर चुके हैं और ये सामने जो होटल है यहाँ पर चाय पी के हमने हमारा लगेज जो है पूरा यहाँ पर रख दिया है और हम जो है यहाँ से चल के
सीधे देवकुंड वाटरफॉल की ओर जाने वाला है यहाँ से, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। सुबह से लेकर अभी तक हल्की हल्की सी बारिश है और बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट है। इस क्लाइमेट में अब जो है बाइक राइडिंग के बाद हम चल के आगे की ओर बढ़ेंगे, तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जहाँ पे हमने बाइक पार्क की है वहाँ से करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर तक का ये रास्ता है जिसे हमें पैकिंग करके उधर पहुँचना है। और अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली है, किसी ने कहा है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई यहाँ पे, तो इन्होंने आगे से रास्ता भी बंद कर दिया, तो शायद हम देवकुंड तक ना भी जा पाए। लेकिन यहाँ तक आए तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि उस रास्ते पर ट्रैक करके हम लोग वहाँ तक पहुँचे। देखिए रास्ता कितना पीछे का खतरनाक रास्ता है, ऐसे मोड़ से होके हमें गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ से चलते हम 6 किलोमीटर चल के जाएंगे और फिर वहाँ जाके वहाँ का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सच कहूँ तो इस वक्त बहुत ही मज़ा आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सी ये ट्रैक है। इससे पहले भंडारदारा मैंने ऐसी ट्रैकिंग की हुई है, लेकिन भंडारदारा इतनी लंबी ट्रैकिंग नहीं है, वो शॉर्ट ट्रैकिंग है। कंपेयर टू भंडारदारा एक अलग है और ये इसकी ट्रैकिंग बहुत अलग है। ये करीब करीब 6 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग हम लोग इस वक्त ताजिया कर रहे हैं और सारा रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से होते हुए हम जा रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे से वाटरफॉल आ रहे हैं, दोनों तरफ हरियाली है, बारिश कंटिन्यू हो रही है और एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, करीब करीब 3 घंटे की ट्रैकिंग हम लोग कर चुके हैं और यहाँ से भी और 20-25 मिनट की ट्रैकिंग बाकी है।
रास्ता बहुत ही स्टिफ है, चढ़ के जाना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ में, शांति के साथ में आपको चढ़ना है और यही देवकुंड का मजा है। इस वक्त जयेश जो है हमारा डॉक्टर, जयेश सबसे पीछे रह चुका है, आपको दिखाता हूँ जयेश कितनी मुश्किल से वो चढ़ रहा है। देखो तारीफ काबिल है, उन्हें हाथ पकड़, उनका ये हौसला में तारीफ काबिल है। जयेश हाथ देना हाथ देना किसी को, हाथ किसी का हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, बोला चढ़ नहीं पाएगा। अरे ये मेगा फसली, अरे साले ने तेरा हाथ दे दी, मेगा है हाथ मांगो किसी का। जयेश ने एक आदमी का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वो आदमी खुद उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर गया और जयेश वहीं का वहीं रह गया। तो हाथ पकड़ा किसी को, जैसे तैसे हम जो है करीब करीब 90% जो है हमारे मंजिल के करीब आ चुके हैं और यहाँ से 15-20 मिनट की और ट्रैकिंग है, उसके बाद देवकुंड। करीब 3.5-4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद में जो है अब इस वक्त मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ कि जन्नत होती कैसे है। इससे पहले भी कई बार मैंने आपसे कहा है कि ये देखो जन्नत, पर सच कहूँ अब इस वक्त जो देख रहा हूँ वाकई में वो जन्नत है और इससे खूबसूरत जन्नत भी मिल सकती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जीपी भाई और मैं इस वक्त इस नज़ारे का बहुत ही लुत्फ उठा रहे, मज़े ले रहे हैं। कैमरे को रोटेट करता हूँ और आपको एक बार ये दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, एडवेंचर का शौक है तो दोस्तों बस बैक करो और आप देखो करीब करीब 3 घंटे की चढ़ाई के बाद में खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो 3 घंटे की चढ़ाई के बाद में और 3 घंटे की बाइक राइड के बाद है। दोस्तों यकीनन अब तक का सबसे बेस्ट एडवेंचर टूर रही हमारे जयेश भाई, मेरे पीछे जो जयेश है वहाँ खड़ा है और में है और भरत मुझे नहीं पता क्या हो गया, लेकिन इतनी जबरदस्त बारिश है, इतनी जबरदस्त पानी जो हमारे ऊपर आ रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा है, हम लोग कांप रहे लिटरली यहाँ से, हम यहाँ से चल के पीछे की ओर जाएंगे। तब तक बहुत धन्यवाद।
ब्लॉक के बाद मैं आपको भरत का चेहरा दिखाता हूँ कि कितना खुश लग रहा है इस वक्त। भरत भाई आज आपको गोल्ड मेडल देना जरूरी है। तो भरत कैसा लगा, मजा आई? मजा आया, लेकिन साथ में अपने लगता है लाइफ का एग्जाम हो गया पूरा। अरे बॉडी ऑयलिंग हो गई, बोलो ना इसे। जयेश भाई रिकॉर्डिंग कर, जयेश भाई अभी जो है जयेश ऊपर आया, जयेश का फेस का एक्सप्रेशन दिखा दो कि वो कैसा कितना खुश है इस वक्त। मुंह पे बहुत खुशी दिख रही है, उन्होंने अपना पहला लेवल कंप्लीट कर दिया है। बता कर देखो भी लेवल। दोस्तों अभी अभी हमारी ट्रैकिंग जो है वो खत्म हुई और हम फिर से अपने रूम पे आए हुए हैं। राइडिंग सबके जोश में बैंड बज चुकी है और जयेश यार देखे, जयेश इस वक्त क्या कर रहा है। जयेश देखो, जयेश भाई की तारीफ, जयेश भाई तारीफ के काबिल है, जयेश भाई तारीफ के काबिल है, क्योंकि उन्होंने आज 10 किलोमीटर की 12 किलोमीटर जो है ट्रैकिंग की है और साथ में 3 घंटे की राइडिंग की है और अभी और 3 घंटे की राइडिंग करनी बाकी है। दोस्तों करीब करीब सुबह 4 बजे से हम उठे हुए हैं और 4 से लेकर अभी शाम के बजे है 4:27 और 806 कैलोरी हम चारों ने बर्न कर दी है और उसके अंगेश में सिर्फ एक या दो वड़ा पाव और एक चाय पिए, बराबर है जीतू भाई? तो सबकी बैंड बनी पड़ी है, 3 वड़ा पाव और हमने शूज़ खोले हैं, हमने राइडिंग शूज़ के अंदर हम लोगों ने जो है वो आज ट्रैकिंग की है, जो कि आप ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आप देवकुंड आते हो तो राइडिंग शूज़ में ट्रैकिंग मत करना, क्योंकि ये पहनने से जो है पूरे शूज़ में पानी भर गया और हमारे पैर जो है पूरे छिल चुके हैं। इस वक्त देखिए हमारे पैर की हालत कैसे वाइट हो चुके हैं, स्किन की हालत एकदम ख़राब है। चारों के पैर दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे पैर की इस वक्त हालत है। तो आपसे भी यही कहूँगा कि जब कभी अगली बार आप देवकुंड आते हो तो राइडिंग शूज़ की बगा जब के बदले ट्रैकिंग शूज़ पहन के आओ और फिर यहाँ पे ट्रैक कीजिएगा। दोस्तों एक थोड़ी सी चीटिंग मैंने अपने दोस्तों के साथ की थी, मैंने उनसे यही कहा था कि आज हम राइडिंग के लिए जा रहे हैं न कि ट्रैकिंग के लिए, और ट्रैकिंग का मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था लेकिन इतनी ज़बरदस्त ट्रैकिंग होने वाली है ये मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी तो हमें 3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के करीब करीब 6 घंटे की ट्रैकिंग हो गई है। तो बहुत ज़्यादा हमने आज एडवेंचर को एंजॉय किया है। तो इस वक्त मेरे साथ में मेरे तीनों साथी जो है, इसमें तो जयेश जो है पहली बार आया हुआ है, तो तीनों के रिव्यूज़ में पूछूंगा कि उनका आज ये एक्सपीरियंस कितना ख़तरनाक रहा। तो सबसे पहले बात करता हूँ जयेश से। ये सब परेश का कहा किया गया गुजरा, बताया नहीं कि दो चीज़ें कर रहे हैं आज हम, ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं। 1 घंटे की ट्रैकिंग और 3 घंटे की ट्रैकिंग, पूरा रास्ते में बारिश थी और जो ट्रैकिंग का एंजॉय मिला सुपर। और जब हम देवकुंड पहुंचे पूरी थकानी उतर गई, माइंड ब्लोइंग सुपर। मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से एक बार तो आना ही चाहिए इधर, भले ही ट्रैकिंग हार्ड है थोड़ा, लेकिन एंजॉय जो मिलता है ना उसके सामने ट्रैकिंग कुछ भी नहीं है। दोस्तों किसी और की बीवी आज अपने पति को प्यार करे ना करे, जयेश की बीवी आज जयेश को बहुत प्यार करने वाली, क्योंकि उसने गोल्ड मेडल लेके आए, 850 कैलोरी बर्न की है गोल्ड मेडल और 7 घंटे की वॉक की है, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। जयेश की पहली राइड थी और पहली राइड के साथ साथ में पहली ट्रैकिंग भी हो गई है, तो दोनों चीज का जो उसने मजे ले लिए। तो अब दोस्तों हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो हम लोग हमारे रूम पे आए जहाँ पे हमने हमारा लगेज रखा हुआ है, लगेज लेके सीधे हम अब बीच में एक लंच, क्योंकि लंच हमने किया नहीं, डिनर के टाइम लंच कर रहे हैं, तो करके सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। और मैं आज का ये मोटो व्लॉग बनाने वाला था लेकिन ये मोटो व्लॉग ना बन के अब एक ये ट्रैवल और एक एडवेंचर व्लॉग बन चुका है, तो अब मैं शायद कैमरा ऑन ना करूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त थक चुके हैं, तो सीधा मुंबई जाएंगे। बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।